तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि पिछले दिन ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक जो है वो हुई है, और कैबिनेट बैठक जो है वो दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी सारी भर्तियाँ जो आखिरी अप्रूवल जो है वो कैबिनेट बैठक में ही दिया जाता है। तो दोस्तों, कैबिनेट बैठक के ऊपर बात करेंगे और किन किन भर्तियों को जो है वो कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है, उन भर्तियों के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुल पद 241 हैं। तो दोस्तों, इन मैं डिटेल में बताऊंगा कि किन किन श्रेणी में पद निकले हुए हैं, किन किन पदों को जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक ने फाइनल अप्रूवल जो है वो यहाँ पर दी हुई है। तो उन सभी पर जो है वो बात करेंगे और आपको बताएँगे कि उसमें जो है वो क्या जो आपका रहने वाला है कैबिनेट बैठक में, किन किन भर्तियों को क्या क्या जो है वो किन किन पदों पर जो है वो भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो आपको जो है वो कंप्लीट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को आपने पूरा देखना है। और चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ और नोटिफिकेशन जो भी हिमाचल प्रदेश में आती है उसको मैं बताता रहता हूँ। सो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो हमने हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक जो कि आपको पता है हुई है, तो उसके मंत्रिमंडल के निर्णय की जो है वो यहाँ पे हमने इमेज जो है वो यहाँ पे लगाई हुई है। तो मंत्रिमंडल के निर्णय मंगलवार 25 जुलाई को आपके क्या क्या निकले हैं, तो उनके बारे में बात मैं आपको करूँगा और बताऊँगा कि कौन कौन सी भर्तियाँ जो है वो आपकी निकली हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट भर्ती ट्रामा सेंटर और आपातकालीन चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों, जो कि आपको पता है आपातकालीन चिकित्सा विभाग होता है IGMC शिमला। तो दोस्तों, IGMC शिमला को जो है वो कार्यात्मक बनाने के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के जो है वो दोस्तों कितने पद भरे जाएंगे, 136 पद जो है वो दोस्तों ये भरे आपके जाएंगे। किन में भरे जाएंगे, IGMC शिमला में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के जो है वो 136 पद आपके जो है वो यहाँ पे भरे जाने हैं। तो दोस्तों, इस कैबिनेट बैठक में जो है वो इसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो राज्य के विभिन्न नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद दोस्तों भरे जाएंगे। तो दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं कि राज्य की विभिन्न नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में, जैसे कि आपको बताया कि विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरे जाएंगे, तो विभिन्न श्रेणियों में काफ़ी सारे आते हैं, तो उन सभी के जो है वो मिला के 87 पद यहाँ पे बोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली भर्ती 136 पद, फिर आपके 87 पद जो है वो नगर परिषद और नगर पालिका और पंचायत वगैरह में जो है वो भरे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं दोस्तों अगर बताऊँ आपको, तो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि प्राकृतिक आपदाएं जो हिमाचल में जो है वो काफ़ी सारी इस बार आई और काफ़ी जो है वो नुकसान भी यहाँ पे हुआ, तो उसके लिए राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 14 पद जो है वो यहाँ पे दोस्तों भरे जाएंगे। विभिन्न श्रेणियों के 14 पद जो है वो राजस्व विभाग में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपके भरे जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि 14 पद सृजन व भरने के साथ साथ परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपके 14 पद जो है वो यहाँ पे सृजन किए गए हैं। फिर आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से 136 पद ऊपर, फिर 87 पद आपके यहाँ पे नगर परिषद और नगर पंचायतों में, 136 पद आपके पैरामेडिकल स्टाफ में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 पद आपके राजस्व विभाग में, और 7 पद जो है वो आपके HPPSC की तरफ से भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो भर्तियाँ आपकी होनी है। और यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में मिलेगी नौतोड़ ज़मीन, भरे जाएंगे 244 पद। तो दोस्तों, इस यहाँ पर भी जो है वो टोटल 244 पद बताए गए हैं, और यहाँ पर ब्यौरा भी दिया गया है कि किन किन पद जो है वो यहाँ पर भरे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न श्रेणियों के 14 पद जो सृजन किए निर्णय लिया है, तो मंडी जिला के धर्मपुर में नए स्थापित सिविल कोर्ट व नूरपुर देहरा पालमपुर पवंटा साहिब रोडू में नव स्थापित अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में सहायक जिला न्यायवादी के पद जो सृजित करने और पोक्सो। तो इस प्रकार से दोस्तों, न्यायालय में भी जैसे कि आपको मैंने बताया कि नगर परिषद और पंचायतों में 14 पद भरने हैं, तो यहाँ पे उसका भी बताया गया है।
और 87 पद जो है वो विभिन्न श्रेणियों के भरे जाने हैं, और राजस्व विभाग में 7 पद भरे जाने हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है वो यहाँ पे निकलेंगी भर्तियाँ दोस्तों, और यहाँ पे जो है वो टोटल 244 पद जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हमें देनी थी, क्योंकि जल्दी ही जो है वो अब जो है वो आपको भर्तियाँ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और पेंडिंग रिज़ल्ट की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ दोस्तों, तो पेंडिंग रिज़ल्ट भी जो है वो अभी डिक्लेयर होने लग पड़े हैं, बट अभी भी काफ़ी सारे पोस्ट कोड ऐसे जिनका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया हुआ है, तो काफ़ी जल्दी उनका भी रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में इतना बताना था। सो वीडियो को आपने लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर